पार्टी बचानी है तो नजरियाती कारकुनों को आगे आना होगा। मुनहरिफ पीटीआई रहनुमा अकबर एस बाबर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए सरगर्म हो गए। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ बानी रहनुमा अकबर एस बाबर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए सरगर्म हो गए हैं और मुल्क के मुहिम चलाने का ऐलान करते हुए कहा है कि नजरियाती कारकुन पार्टी में शफाफ इंतखाबात के लिए आगे आएं। कारकुनों को पार्टी को तबाही से बचाने के लिए आगे आना होगा। अपने बयान में अकबर एस बाबर ने कहा कि शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हुए तो कौमी इलेक्शन में बनने का निशान बरकरार रहना और इंतखाबात में हिस्सा लेना खतरे में पड़ सकता है। 23 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुनाया था और पीटीआई को मशरूत तौर पर आम इंतखाबात में बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार रखा था। फैसले में कहा गया था कि 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं और इलेक्शन के बाद 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस जारी किया था।